बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम الرحمن الرحیم السلام علیکم स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2023 क्वेश्चन नंबर 7 बैंक रिकंसिलिएशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का सवाल है तो वी स्टेट द कैश अ स्टडी ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ नवीद खान एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 रिवील द फॉलोइंग Balance as per cash book 24,600. Balance as per bank statement 28,200. Check issued a total amount 50,000 but still unpresented in bank. Offer piece 38,000. Unclear check 9,800. A customer Mr. Arshad Ali's check. Offer piece 14,000. Dishonored by the bank. Online payment made to Mr. Mohammed Imran, a supplier. Rs 17,000. Not recorded in cash book. A bank credit company's account by Rs 8,500. A company customers, Mr. Vahid made online deposit. चेक इशूड रुपीस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डिपॉजिट ऑफ चेक ऑफ रुपीजेंड सिक्स नाइनड रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट एस ऑफ अप्रैल 2023 तो भाई पूरा सवाल हमने रीड किया बैंक में अकाउंट खोला मैंने तो आ, क्या मैं बैंक बिलीव कर सकता हूँ बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है सही कर रहा होगा उसमें कोई गलती नहीं हो सकती तो वह बैंक में भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है क्योंकि वह भी इंसान काम करते हैं तो ठीक है ना तो अब क्या करते हैं आप खुद अपने पास भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं ठीक है ना मेरा अपना और बैंक का दोनों का रिकॉर्ड फिर मैं टैली करता हूँ जो डिफ्रेंसिएशन आते हैं उसको जब हम मेंटेन करते हैं उसे हम किस में मेंटेन करते हैं बैंक रिकन्सोलेशन स्टेटमेंट में मेंटेन कर रहे होते हैं तो जो भी हमारे दोनों के डिफरेंसेस होते हैं अब फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे मुताबिक मेरा बैंक का होना चाहिए चौबीस हजार छह सौ जबकि बैंक बता रहा है बैंक की स्टेटमेंट मुझे बता रही है पासबुक मुझे बता रही है कि भाई बैंक का बैलेंस है ट्वेंटी टू हंड्रेड बाजार देखने में तो बैलेंस ज्यादा आ रहा है लेकिन डिजाइन इशू के डिफरेंस क्यों आ रहा है ठीक है ना तो इशू को रिजोल्व करते हैं तो कह रहे हैं जो नीचे जो पॉइंट गिवन है वो सारे इशू है जिसकी वजह से मेरा और बैंक का डिफरेंस आ रहा है पहले मैं क्या करता हूँ रिकनसोलेशन uh, स्टेटमेंट बनाना शुरू करता हूँ रिकॉर्ड भी यही है हमारी नेम ऑफ कंपनी लिखा है नवीद एंड कंपनी क्या बना रहे हैं बैंक रिकनसोलेशन स्टेटमेंट डेट आई एज ऑफ अप्रैल थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कॉलम बनाया कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का ये दोनों कॉलम बनाए मैंने अब पहले कैश बुक का बैलेंस लिखूंगा और बैंक का बैलेंस लिखूंगा जो पहले पॉइंट में मैंशन है कितना ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड और बैंक का बैलेंस है ट्वेंटी टू हंड्रेड ये लिखा मैंने बैलेंस ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड और ट्वेंटी एट टू हंड्रेड ये बैलेंस आ गया अच्छा बैलेंस नॉर्मली एंडिंग होता है ओपनिंग बैलेंस नहीं होता सही है ना एंडिंग बैलेंस शुरू करता हूँ फिर एरर को रिमूव करते हुए दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए उसके बाद चेक इश्यूड टोटल अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड बट स्टिल अनप्रेजेंटेड इन अ बैंक ऑफ रुपीज थर्टी एट थाउजेंड मैंने पचास हज़ार के चेक दे दिए जब मैं फिफ्टी थाउजेंड चेक दे चुका तो मेरे पास से मैं माइनस कर चुका हूँ लेकिन अब तक बैंक में कितने रुपए पैसे लेने नहीं आए उसके तीन हजार आठ थर्टी एट थाउजेंड बैंक से अब तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है पचास में दे चुका है इसका मतलब बारह की पेमेंट हो गई होगी बैंक से और थर्टी एट की पेमेंट नहीं हुई है तो इसका मतलब थर्टी एट बैंक से लेस नहीं हुआ है तो भाई पार्टी कभी ना कभी आएगी पैसे लेने के लिए मंथ एंड तक ये थर्ट एट थाउजेंड की पेमेंट नहीं हुई है तो जब पार्टी आएगी तो पैसे कस्टमर आएंगे सॉरी सप्लायर आएंगे तो पैसे ले जाएंगे तो ये थर्टी एट बैंक से लेस नहीं हुआ देखिये होता ही जो मेरे पास से लेस है बैंक से भी लेस होना चाहिए हम रिकनसाइल कर रहे हैं दोनों को मैच कर रहे हैं डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं तो थर्टी एट बैंक से माइनस हो जाएगा क्या लिखेंगे लेस अनप्रेजेंट चेक और थर्टीट बैंक से क्या होगा Less. Less को हम किस में लिखते हैं है, है? तो है है? भाई जब चेक आप डिपॉजिट करते हैं किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक टू डेज देता है अदर बैंक्स की क्लियरिंग के लिए यानी आपका बैंक दूसरा बैंक तो दूसरे बैंक के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने में दो दिन का प्रोसीजर लगता है तो उसे जब दो दिन में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे अभी तक तो नहीं हुए ठीक है ना तो कैसे होते हैं कि भाई दो दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं ठीक है ना दो अब आप, आपने हो सकता है महीने की लास्ट तारीख को या सेकेंड लास्ट डेट को आपने चेक दिया जो महीने की एंड एंड अप्रैल थर्टी तक वो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ ऐड नहीं हुआ आप तो ऐड कर चुके कस्टमर ने चेक दिया अपने बैंक में जमा किया और अपने पास आपने ऐड कर दिया किधर ऐड नहीं हुआ

नहीं उस शख्स जिसने आपको चेक दिया था आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ और आप जो ऐड कर चुके हैं तो क्या करेंगे अपने आप माइनस करेंगे मुझे पैसा नहीं मिला मुझे पैसा लेना है इसको माइनस कर करूंगा, करूंगा डिसऑनर चेक के नाम से ठीक है माइनस के तो मैंने ब्रैकेट में लिखा फोर्टीन थाउजेंड नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं ऑनलाइन पेमेंट मेड तो मिस्टर मोहम्मद इमरान अ सप्लायर सेवनटीन थाउजेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी और अपने पास ऑफिस के रिकॉर्ड में लिखना भूल गए सतरह की पेमेंट कर चुके आप बैंक से भी माइनस हो गया होगा जब पेमेंट हो गई तो कहाँ से माइनस नहीं हुआ मैंने अपने पास से माइनस नहीं किया तो क्या करूँगा अपने पास से लेस करूंगा ऑनलाइन पेमेंट सेवनटीन थाउजेंड बैंक से लेस हो गया था मेरे पास से लेस नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं था तो मुझे अपना रिकॉर्ड ऑरिजिनल मेंटेन करना है तो मैं क्या करूँगा अपने पास से लेस कर दूंगा इसको सेवनटीन थाउजेंड नेक्स्ट बैंक क्रेडिट कंपनीज अकाउंट बाय अच्छा बैंक क्रेडिट क्या होता है ऐड होता है क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है तो जब बैंक की लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी क्रेडिट होती है और मेरा पैसा है मेरे लिए एसेट्स है मैं ऐड करूंगा तो क्या करूंगा डेबिट करूंगा बैंक ऐड करता है तो क्या करता है क्रेडिट हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे डेबिट तो भाई बैंक ने ऐड किया बैंक ने बैंक ने क्रेडिट किया आठ हजार पांच सौ कंपनी कस्टमर्स मिस्टर वाहिद मेड ऑनलाइन डिपॉजिट एक कस्टमर ने ऑनलाइन बैंक में जमा करा दी हमें पता ही नहीं है हम मैसेज तो नॉर्मली जो स्टेटमेंट बनती है वो पेपर वर्क के थ्रू काम होता है हम मैसेज को नॉर्मली नहीं देखिए मैसेज आया कभी नहीं आया तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है तो जिसकी वजह से नॉर्मली पेपर वर्क किया जाता है मंथ एंड पे स्टेटमेंट मंगाई जाती है उससे रिकनस करते हैं हम डेटा को तो आठ हज़ार पाँच सौ बैंक में ऐड है मेरे पास ऐड नहीं है मैं क्या करूँगा अपने पास ऐड कर देता हूँ उसे ठीक है तो ऐड किया अकाउंट उसी ऑनलाइन आठ हज़ार पाँच सौ बैंक में ऐड हो चुका था हमने भी ऐड कर दिया नेक्स्ट है चेक इशू फोर थाउजेंड एट हंड्रेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक चेक इशू किया इसका मतलब बैंक से भी इसकी पेमेंट हो गई होगी कहाँ लिखना भूल गए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक चेक इशू किया है माइनस किया है और अपने पास से माइनस करना भूल गए क्या करेंगे अपने पास से माइनस करेंगे चार हजार आठ सौ नेक्स्ट है डिपॉजिट अ चेक ऑफ रुपीज़ नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये करेक्शन है डिपॉजिट के चेक कितने का नौ हज़ार छः सौ का नौ हजार छह सौ होने चाहिए थे गलती से कितने ऐड नौ सौ छब्बीस तो कितना हो जाएगा सॉरी सत्ताईस छब्बीस सौ कह रहा हूँ सत्ताईस सौ आपने कम ऐड किया नौ सौ तेरह तो सत्ताईस बनेंगे सत्ताईस सौ आपने कम ऐड किया तो क्या करेंगे सताईसौ आप ऐड कर देंगे आप करेंगे टोटल इसको दोनों साइड एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा यहाँ भी आया जीरो इधर भी कितना आ रहा है जीरो बैलेंस आ रहा है ठीक है तो ये रिकनसेशन आपकी आ गई सेम आ गई बैलेंस आ गया जीरो सर या सर को इजाजत दीजिए बच्चों अल्लाह हाफिज